चलिए चलिए। नमस्कार, मैं संगीता सीकेडिया की छात्रा हूँ और मैं आज फर्स्ट ईयर की छात्रा को आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ। आदत बहुत प्रकार की होती है, जैसे किसी को किसी चीज की आदत हो, किसी को कहीं जाने की आदत हो, किसी को लिखने की आदत हो, किसी को पढ़ने की आदत हो। तो आदत में भी प्रकार दिया गया, कितने प्रकार की आदतें हैं। फर्स्ट है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतों में आता है, अगर आप कुछ खाते हो पीते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, तो शारीरिक संबंधी आदतें हैं। सिगरेट हुआ, शराब हुआ, और जो बुरी आदतें जो हैं वो सब। दूसरा है भाषा संबंधी आदतें। तो भाषा संबंधी आदतें क्या है? अगर हम लोग एक ग्रुप में हैं, कोई कुछ मिस्टेक करता है, तो ऐसा होता है कि आदमी उसको दूसरा आदमी भी मिस्टेक कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास हो, उनके शिक्षक आए और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर शिक्षक बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल दें, तो वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उसी वो मिस्टेक को समझेंगे नहीं कि ये मिस्टेक है, उसको अपना आदत बना लेंगे। तो ये हो गया भाषा संबंधी आदत। जैसे आप भोजपुरी बोल रही हैं, आपके साथ हम लोग भी हैं, तो होता है कुछ ऐसा वर्ड आता है जो हम लोग उसमें भोजपुरी में बोल देते हैं। तो ये हुआ भाषा संबंधी आदतें। और तीसरा हुआ भावना संबंधी आदतें, जिससे भावना जुड़ी होती है, वो भावना संबंधी आदतें हैं। जैसे किसी किसी में होता है घृणा की भावना, तो किसी को देख के अच्छा नहीं लगता है, और किसी में होती सहानुभूति की भावना, प्रेम की भावना, कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति करता है। तो हो गया सहानुभूति के। फिर चौथा हुआ यांत्रिक आदतें। यांत्रिक आदतें होता है जो अपने आप में होता है, जैसे कुछ ऐसी चीज होता है जो हमें सिखाना नहीं पड़ता है, हम लोग खुद बखुद करते हैं। जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने शर्ट में बटन खुद लगा लेते हैं, चैन खुद लगा लेते हैं, वो हो जाता है यांत्रिक संबंधित आदतें। फिर हुआ नैतिक आदतें। नैतिक आदतें में हुआ आपका जैसे सच बोलना, पवित्रता, कोई है सच बोलता है, साफ सुथरा रहता है, पवित्र रहता है, तो हो गया नैतिक संबंधी आदतें। फिर हुआ नाड़ी संबंधी आदतें। नाड़ी संबंधी आदतें क्या होता है? जिसमें कुछ अवगुण होते हैं नाड़ी संबंधी, जैसे किसी बच्चे को देखती हूँ कि बार बार अंगूठा मुंह में डालता हो, नाखून चबाता हो, या फिर पेंसिल डाले तो कोई भी सामान मिले उसको मुंह में डाल लेता हो, तो उसको कहते हैं नैतिक नाड़ी संबंधी आदतें। फिर हुआ विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतें में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, उनको कहा जाता है विचार संबंधी आदतें। उनमें विचार उत्पन्न होते रहते हैं, आगे क्या बोलना है, इससे क्या क्वेश्चन करना है, तो हो गया विचार संबंधी आदतें। अब आदतों का निर्माण, आदतों का निर्माण कैसे हम कर सकते हैं? तो पहला है अभ्यास। किसी चीज का निर्माण करना हो तो पहले अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि अगर असंभव काम भी हो उसका अभ्यास किया जाए तो संभव हो जाता है। तो पहले लोग एक कहावत कहते थे, करत करत अभ्यास से, दोहा है, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो इसका मतलब है कि अगर अभ्यास रस्सी ने किया तो पत्थर पर भी उसने निशान बना दिया, तो हम लोग तो मनुष्य ही कुछ भी कर सकते हैं, क्या नाम पुरस्कार अगर किसी को अच्छी आदत सिखानी हो, पुरस्कार का भी बहुत महत्व होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ अच्छा नहीं करता हो, अगर उसके फ्रेंड को आप पुरस्कृत करो और कहो कि देखो इसने बहुत अच्छा किया इसलिए इसको पुरस्कार मिला है,
तो वो बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी उसी की तरह करूं, मुझे भी पुरस्कार मिले। दंड ठीक है, दंड कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन पुरस्कार ज्यादा जरूरी होता है। प्रोत्साहन, हाँ, पुरस्कार ज्यादा जरूरी होता है। और पुरस्कार देने से बच्चे सब सीख लेते हैं, करते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना, अब बुरी आदत कैसे छोड़ सकते हैं? बुरी आदत, अगर किसी को बुरी आदत लग गई हो तो एक बैग अगर हम चाहेंगे कि बुरी आदत को छोड़े, तो बुरी आदतों को तो वो छोड़ेंगे नहीं, उसको धीरे धीरे छोड़वाना पड़ेगा। बुरी कैसे छोड़वाना पड़ेगा? उसमें कमी कर देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शराब पीता, तो पूरे दिन शराब जो पीता है तो उसको थोड़ा सा रोका जाए, एक दिन कुछ कम किया जाए, दूसरा दिन उससे भी कम किया जाए, तीसरा दिन उससे भी कम किया जाए, ऐसे करते करते। या फिर शराब की जगह उसे कुछ और पीने के लिए दिया जाए, वो नई आदतों को निर्माण किया जाए, तो पुरानी आदतें छोड़ सकता है। फिर है आत्म सुझाव। तो आत्म सुझाव में आता है कि आप, अब मुझे अगर कोई कहेगा कि आप शराब छोड़ दो, या फिर आप सिगरेट पीना छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो, तो लाजिम है कि पूछेगा कि क्यों छोड़ दे, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो मुझे पता ही नहीं है। तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों आप छोड़ो। तो हम बताते हैं कि सिगरेट पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से फेफड़ा खराब होता है, चाय पीने से माइग्रेन हो जाता है, ज्यादा चाय पीने से। अब मान लीजिए किसी को सोने की आदत है, तो ये भी बुरी आदत है, बहुत ज्यादा सोना भी बुरी आदत है। तो उसको बता सकते हैं कि ज्यादा सो गए तो आपका काम, उसको स्कूल ज्वाइन करवा सकते उसको कर सकते हैं कि आप ज्यादा सो गए तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो जब तक ले उसे कोई तर्क नहीं दिया पॉजिटिविटी उसकी तरफ नहीं, तो वो क्यों छोड़ेगा, बोले मैं क्यों छोड़ू, इसमें क्या खराबी है, शराब पी सकते हैं, शराब तो आदमी पीता है कि जब तक विल पावर नहीं करेंगे तब तक। उसके है नई आदतों को का निर्माण। अगर पुरानी आदत को छोड़ना है तो फिर नई आदत का निर्माण भी बहुत जरूरी है, नई आदतों का निर्माण करना चाहिए। नई आदतों का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? जब तक पुरानी आदतों पर फोकस नहीं करेंगे, मेरी बुरी आदत क्या है उस पर फोकस करेंगे, तब ना नई आदत का निर्माण करेंगे, फिर छोड़ेंगे उसको। और फिर है संकल्प। अगर किसी काम को करने का हम संकल्प करें तो निश्चित होगा हम कर सकते हैं, विदाउट संकल्प के नहीं कर सकते, कालम टोल कर देंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन अगर हम संकल्प करेंगे तो सारे काम कर सकते हैं। ठीक अभ्यास, अगर हम गलत कुछ बोलते हैं तो उसका अभ्यास करना चाहिए, कैसे हम उसको ठीक से बोलें, जब भी बोले तो वहाँ कोई रोकने वाला हो, हाँ आप यहाँ गलत कर रहे हो, इसको सुधारो। तो इससे होता है कि आपका जो गलती है वो सुधर जाता है। एनी क्वेश्चन? मैम, कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे कि मेरे क्लास में है, उसको डेली एक ही चीज बोला जाता है, डेली वही करता है, जैसे कुछ खिड़की पे खड़ा होके देखते रहता है या लिखना नहीं, कॉपी बंद करके रख देगा, तो वो उसका आदत को डेली एक ही बात बोलते, डेली वही काम करता है, तो कैसे उसका आदत को छुड़ाया जाए? बताइए कि आप खिड़की पे चढ़ोगे तो बेटा अगर गिर जाओगे तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा, तो आप उस समय समझ जाते हैं, फिर वो रिपीटेड, बताइए रिपीट कीजिए अभ्यास। इसीलिए कहा गया ना कि करत करत अभ्यास से बार बार उसी चीज को उसको तो उसने जब बंद करके वो रखता है तो उसको गुड स्माइली दीजिए कि आपने लिखा, इतना अच्छा लिखा, हाँ तो खुश हो जाएगा।
चलो आज मिला तो मैं कल भी ऐसा ही करूंगा। मैम जो बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता कंटिन्यू इसको बोला जाता है होमवर्क करके लेके आओ, वो नहीं करके लेके आता है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं करके लाता है, वो क्यों नहीं करके लाता है? या पहले उससे पूछिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम, अभी नहीं करके लाता है, डायरी में भी मेंशन किया है, सब कुछ किया है। नहीं तो बच्चे से हो सकता है उसका घर का माहौल नहीं, पूरी कॉपी में होमवर्क नॉट डन पूरी कॉपी में ही डला है, बच्चा थोड़ी कर सकता है, पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है। नहीं तो फिर ऐसा कीजिए उसका होमवर्क आप।